प्रिय मित्रों, संस्कृति के सच इस कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, एक पौराणिक कथा है, गौतम, अहल्या और इंद्र के बारे में। ये जो पौराणिक कथा है, इसके अनुसार अहल्या गौतम की, ऋषि गौतम की पत्नी है। वो दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं। एक बार गौतम बाहर गए हुए थे तो इंद्र वहाँ पर आ जाते हैं और वो अहल्या के साथ जार कर्म करते हैं। उसी बीच में गौतम ऋषि पहुँच जाते हैं और जब वो उनको इस स्थिति में देखते हैं तो वो अहल्या को शाप देते हैं कि तुम पत्थर की बन जाओ। कथा में आगे कुछ कहानियाँ और बनाई गई। अहल्या ने उनसे अनुनय विनय किया कि मुझसे गलती हो गई, तो गौतम कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार जब श्री राम आएंगे वही करेंगे। और कहते हैं कि रामचंद्र गए और उन्होंने अहल्या का उद्धार किया। ये सारा जो वर्णन है ये हमारे पौराणिक साहित्य में इस प्रकार से कथा की श्रृंखला के रूप में मिलता है। मैंने पहले कई बार बताया है कि जो पुराणों का जो विषय है वो मानवीय इतिहास का प्रतिपादन नहीं है, अपितु जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको अलंकारिक ढंग से उनका प्रस्तुतिकरण मात्र है। पुराणों की जब परिभाषा दी जाती है उसमें कहा जाता है कि सर्गश प्रतिसर्गश वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराण पंच लक्षणम, कि सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास, प्रतिसर्ग सृष्टि के प्रलय का इतिहास, जो वंशावलियाँ बनी हैं, जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र आपस में जो उत्पन्न हुए हैं उनकी वंशावलियाँ जो हैं उनके बारे में, मनवंतरों का इतिहास, समय का इतिहास, ये पुराणों के पांच लक्षण हैं। तो ये जो गौतम अहल्या की जो कहानी है पुराणों में हमें मिलती है, ये भी एक प्राकृतिक घटना है, उसका अलंकारिक वर्णन है। मैंने पहले भी बताया कि ये जितने भी प्राकृतिक नाम हैं और मानवीय नाम सब आपस में मिलते जुलते हैं और इनमें हमें भ्रम उत्पन्न होने लगता है उन नामों के साथ। यदि प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनको मनुष्य का नाम सोचते हैं और उसको एक कहानी के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में उसका विकास होने लगता है। हमारे वेदों में इंद्र जो शब्द है वो सूर्य के लिए प्रयोग हुआ है और जो गौ शब्द है या गोवाची जितने शब्द हैं वो ग्रह नक्षत्रों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, ग्रहों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यास्क हैं, एक बहुत बड़े विद्वान हैं, निरुक्तकार, वो कहते हैं गो गमा क्षमा जमा जितने भी पृथ्वीवाची शब्द हैं वो गो शब्द के नाम से जाने जाते हैं। तो चंद्रमा को हमने गौतम कहा है क्योंकि चंद्रमा की जो गति है सबसे तीव्रतम है। हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं, सात ग्रह हैं, जो हमारे निकटवर्ती जितने ग्रह हैं वो सूर्य का चक्र लगाते हैं। पृथ्वी भी सूर्य का चक्र लगाने में 365 दिन लगा देती है, एक वर्ष लगाती है। बुध सबसे जल्दी चक्र लगा लेता है सूर्य का, वो 88 दिन में घूमता है। परंतु चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्र लगाता है तो वो 27 या 29.5 दिन में एक चक्र पूरा कर लेता है। तो क्योंकि चंद्रमा का परिभ्रमण समय सबसे कम है, वो बहुत जल्दी से तीव्र गति से अपना परिभ्रमण पूरा कर लेता है, तो चंद्रमा को गौतम कहा जाता है। और आप देखते हैं जब सूर्य निकलता है, जब इंद्र होता है, उस समय दिन होता है, तो दिन का अह और इंद्र का परस्पर संबंध है। और जब सूर्य निकलता है उस समय, सूर्य जब छिपता है उस समय अह माने दिन का लय हो जाता है, इसलिए उस समय अहल्या वर्तमान होती है। और जो गौतम है वो चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा रात्रि में ही निकलता है, अहल्या का अर्थ रात्रि है और चंद्रमा रात्रि में ही निकलता है, इसलिए अहल्या और गौतम का पति पत्नी भाव संबंध है। जब रात्रि होती है तो गौतम होता है, गौतम होता है तो रात्रि होती है और ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये जो अलंकारिक घटना है, गौतम और अहल्या का पति पत्नी भाव संबंध है। और कहते हैं कि जब इंद्र आया तो उसने अहल्या का जार कर्म कर दिया। ये कोई इस प्रकार से नहीं था कि इंद्र उसका
पारामौर के रूप में जार कर्म करता है या कोई उस प्रकार की मानवीय घटना नहीं है। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो अहल्या का अर्थ होता है जो रात्रि है वो जीर्ण हो जाती है, रात्रि नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये अहल्या के साथ इंद्र का जार कर्म करना है। तो ये जो कहानी है, इस ये सारी प्राकृतिक जो घटना है सूर्योदय की, चंद्रमा की और रात्रि की, इन तीनों ट्राइंगल पे घूमती है। और चंद्रमा का रात्रि के साथ पति पत्नी भाव संबंध में उसको दिखाया गया है, जब सूर्य निकलता है तो रात्रि नष्ट हो जाती है, तो उसको उसका जार कर्म के रूप में कहा गया है। तो ये जो सारी कहानी है ये कोई कथा नहीं है, मानवीय कथा नहीं है, या किसी हमारे देवताओं के या ऋषियों के दुष्चरित्र को व्यक्त नहीं करती है, परंतु जो प्राकृतिक घटना है उसका एक आलंकारिक वर्णन है। मुझे आशा है आप सब लोग इन प्राकृतिक संवादों को, इस माइथोलॉजी को, भारत की जो माइथोलॉजी है जिसको हम पौराणिक कथाएं कहते हैं, उनको अच्छे ढंग से समझने का और प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृ भक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।